आजि सरिबो केजरीवाल को रिमांड अवधि छदिनिया रिमांड शेष पर भी ईडी हेफाजत रहिबे आप सुप्रीमो। मुख्यमंत्री पदर इस्तफा आवेदन उपरे आज दिल्ली हाइकोर्ट हेबो सुनानी। अबकारी नीति दुर्नीति घटना रे गिरफ होइतबा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाइकोर्ट रु आश्वस्ति मिले नाही। से ईडी रो गिरफ्तारी एवं रिमांड को बेआईन दर्शाई दिल्ली हाइकोर्ट रे आवेदन करथिले। बुधवार कोर्ट केजरीवाल को कोर्ट रु आश्वस्ति मिले नथबा बेले आज पुणी सुनानी हेबा पई जाउछि। ईडी विरोध रे केजरीवाल को आवेदन रो परवर्ती सुनानी आसंता एप्रिल 3 रे हेबो। एचआई केजरीवाल ईडी हिफाजत रे रहिबे। अबकारी नीति दुर्नीति रे केजरीवाल को ईडी मार्च 21 रे गिरफ करी 28 से रिमांड रे नैथिला। एहा को केजरीवाल को पक्षरु हाईकोर्ट रे चैलेंज करा जायथिला। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन जोड़ते आम नुआदिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित फोन लाइन जोड़ते। गगन आप निकट को आसापी चाहिए। गगन आज केजरीवाल जेहेतु रिमांड अवधि शेष होडी पुनर्वार आउ थे आप्लाई करें कि सेमती कौन से अपडेट सूचना रही कि रिमांड पर आउ थे आप्लाय करें कि एने अपडेट आउ कौन रही गगन देखो निश्चित भाव में दुईट कथा सामना करथम कथा निश्चित भाव इडी आउ थे नापी चेस्टा कर कहीं जहां सूचना रही जो अनेक गुड़े अड़ुआ सूतारू क्षय बाहर करने चेस्टा करमती आपंपारती जो समय पॉलिसी मेकिंग होता से समय अनेक दस्तावेज उपर ए पर्दा हटिनापर मोबाइल को लेकिन प्रश्न उठुला और चीफ सेक्रेटरी जो आलिगेसन लगे प्रश्न उठुला और के कविता को लेकिन प्रश्न उठी। द्वितीय कथा हूँ निश्चित भाव बर्तमान सीबीआई कस्टडी में नब बोली खबर आसी तेणु यापुर पर्दा हटिपे जदि ईडी कहीं मत लगुनी आज ईडी छाड़ ईडी आउ थे निश्चित भाव नाप चेस्टा कर कहीं जो समय मिला ये समय भितर ईडी सैटिस्फेक्शन ईडी समस्त प्रश्न उत्तर ईडी को मिल जाइए जदि मिली हूं तो ईडी जदि भी छाड़ी पुणे सीबीआई कस्टडी नहीं पारे चर्चा हवा आरंभ है कहीं देखिए ये जो मद दुर्नीति सर्वप्रथमें सीबीआई केस रजिस्टर करता 14 जन ना से केस फाइल करता विभिन्न समय में देखी सीबीआई विभिन्न नेता को लेकिन पचराउचरा करी छाड़ी सीबीआई नबार चांसेस रही कि आज ईडी पुणी थे रिमांड नबार जथेष संभावना रही ईडी दफ्तर जहां सूत्र खबर मिलती निश्चित भाव राजीवनी कोर्ट जो दुटे प्रड्यूस करना देखो ईडी 10 दिनिया रिमांड मांगिता ईडी को 10 दिनिया रिमांड मिलना तो निश्चित भाव पुणी थे ईडी चेस्टा कर पीएनएल आक्ट में गिरफ करचराचरा कर सब कथार जो सैटिस्फेक्शन मिले कथा नुए निश्चित भाव कहीं देखिए दिल्ली हाइकोर्ट रू गत जी आश्वस्ति मिलता हुए तो आज कई पार्था हुए तो ईडी छाड़ी फाड़ता जेहेतु ईडी रिप्लाई दब 2 एप्रिल दिल्ली हाइकोर्ट से निश्चित भाव 2 एप्रिल पर्यंत हुए तो पुणी एक्सटेंड करे ईडी तार रिमांड अवधि को तेणु अपेक्षा करा पड़ो दुईटा जो से प्रड्यूस करेंगे कौन दस्तावेज दूसरी कौ आधार से रिमांड को एक्सटेंड करने कौन ना रिमांड में छाड़ी दौरान ये सब कथा पर्दा हटव दुईटार निहत भाव में जेहेतु आज शुणा रही आप भी गगन नजर रखी था पूरा देशवासी नजर यही घटना पर निहत भाव में रही आप नजर रखी था बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर तमाम सूचना। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।